उमेश कोले हत्याकांड पर एनआईए ने बड़ा खुलासा किया है, जिस पर नवनीत राणा कुछ बोल रही हैं, सुनिए। उसको रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए, क्योंकि एनआईए की चार्जशीट में एक आ गया कि तबलीगी जमात के कुछ कट्टर तत्वों ने ये इस घटना को अंजाम दिया। मुझे लगता है जो भी ये आपके माध्यम से या प्रचार प्रसार के माध्यम से जो हमें भी ये जमात का जो पता लगता है कि कई चीजें हमारे नॉलेज में आई थी करके मैंने तब ये कोले प्रकरण के लिए मैंने इतना ज्यादा आवाज रेज किया, हमारे महाविकास अगाड़ी के अगेंस्ट जाके मैंने उनके अगेंस्ट आवाज उठाने की कोशिश की कि उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। पर ये जो भी जमात काम कर रही है, मुझे लगता है हिंदुस्तान वाला हर रिलीजन वाला वो हमारा भाई बहन है, कोई भी रहता हो हिंदुस्तान में, इस मिट्टी से अगर वो जुड़ा है, इस मिट्टी में अगर वो पैदा हुआ, तो मुझे लगता है उन्होंने उस मिट्टी की कदर जरूर करनी चाहिए। कोई भी इंटेलिजेंस अगर उस पे काम कर रहा है तो, पर मुझे इतना पूरा विश्वास है कि हमारे गृह मंत्री और प्राइम मिनिस्टर इस देश के इस जमाती को सबक सिखाने के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे, और ऐसा कभी ना हो। और जितने भी लोग इस पे ब्रेन वॉश करके ऐसे लोगों का यूज कर रहे हैं, मैं उन्हें ये जरूर बताना चाहूंगी, अब वो वक्त नहीं रह गया जब तुम्हारी मर्जी चलेगी, अब यहाँ पर हमारे हिंदुस्तान की बोली चलेगी। मैम एक इंग्लिश में भी छोटा स्मॉल वन, the charge sheet by NIA has a major revelation as far as the Amravati murder is concerned. Now the NIA charge sheet hint. तो अमरावती कोले हत्याकांड के पीछे तबलीगी जमात का एक बड़ा सवाल, 11 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। चार्जशीट में जो बातें एनआईए की तरफ से कही गई, कोले की हत्या सामान्य हत्याकांड नहीं थी, ये भी जिक्र उस चार्जशीट में जो एनआईए ने दर्ज की। आपराधिक साजिश के तहत कोले की हत्या हुई है, ये भी जानकारी, जिस पर नवनीत राणा को आप सुन रहे थे। एनआईए की चार्जशीट में 11 आरोपी इसी के साथ बनाए गए हैं, किसी से कोई विवाद नहीं था एनआईए की चार्जशीट में, यह भी जिक्र किया गया। मल्लिका बिल्कुल, ये अहम खबर आपको बता दें, उमेश कोले हत्याकांड पर यह बड़ा खुलासा हुआ है। 21 जून की रात अमरावती में उमेश कोले की निर्मम हत्या की गई थी। एनआईए लगातार इस मामले में तहकीकात कर रही थी, मेडिकल स्टोर चलाते थे उमेश कोहले, उनके बारे में भी ये जानकारी आपको दे रहे हैं। एनआईए की चार्जशीट में बड़े खुलासे हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट उमेश कोहले ने साझा किया था। व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ मुस्लिम युवक भी शामिल थे। हत्याकांड का आरोपी भी कोहले के व्हाट्सएप ग्रुप में ही शामिल था। यह बड़ी जानकारी इस पूरे मामले को लेकर सामने आई है। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है, और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा, हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।